नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सिलवानी नगर के अखंड दिगंबर जैन मंदिर पर, जहां पर अखंड दिगंबर जैन समाज द्वारा यहां पर मान स्तंभ का जीर्णोद्धार किया गया। आज मान स्तंभ में श्री जी को भी विराजमान पूजन पाठ के साथ किया गया है। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं प्रतिष्ठाचार्य श्री कमल कुमार जैन जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं इसका महत्व समझते हैं। भगवान के समोसरण मंदिर जो हुआ करता है, समोसरण का रूप हुआ करता है। उस समोसरण में जिस प्रकार सबसे पहले ऊपर चढ़ने पर मान स्तंभ मिलता है, उसी प्रकार मंदिर की पूर्णता भी मान स्तंभ से हुआ करती है। मान स्तंभ नहीं बने तो मंदिर में पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। यह मंदिर बनने के बाद भगवान का मान स्तंभ बना था, परंतु वह किसी कारण वह जीर्णशीर्ण हो गया। उसको नवीन करके, उसको जीर्णोद्धार करके पुरानी मूर्तियों को नवीन वेदिका पर विराजमान किया गया है। मान स्तंभ के दर्शन मुख्य रूप से इसलिए बनाया जाता है कि जैन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सौर सूतक चलती है, जिसमें व्यक्ति के घर में जब सौर या किसी का जन्म होता है, सौर होती है, किसी का मरण हो जाता है, सूतक होती है, उस समय मंदिर में जिन्हें भगवान के भीतर वेदिका में प्रवेश करके दर्शन नहीं कर सकता, और जिनके नियम रहते हैं प्रतिदिन दर्शन करने के, वो मान स्तंभ की प्रतिमाओं के दर्शन करके अपने नियम को पालन कर सकते हैं। और मान स्तंभ के दर्शन करने से जीवन व्यक्तियों को अपने मान का भी गर्व रहता था, वह मान भी खंडित हो जाया करता है कि मेरे से ऊँचे भी कोई है। मान स्तंभ इतने ऊँचे भगवान विराजमान है और उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहती है। अतः मंदिर में मान स्तंभ होना अति अनिवार्य है। और आज दोपहर में बाहुबली भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, इनकी दो वेदियाँ बननी हैं, जिनका दोपहर में 3:27 पर मुहूर्त पर मुख्य शिला रख करके भूमि पूजन शिलान्यास होगा। तो वेदी बनने के बाद वह भगवान पुरानी वेदी कापे से आकर के पुनः इस नवीन वेदी का विराजमान है। इस संबंध में सीधी चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं। आज भूमि पूजन भी होना है तो समाज के हमारे महामंत्री श्रीपाल जैन जी हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं, उनसे इस संबंध में जानकारी लेते हैं कि भूमि पूजन किस संबंध में किया जा रहा है। उपासनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य समय सागर महाराज की जय, 108 श्रेयांत सागर महाराज की जय। हमारे यहाँ मंदिर में अंदर दो वेदी बनना है। दोनों वेदी पहले से थी, मगर वो जीर्णोद्धार हो गई थी, इसलिए नई वेदी बनना है। नई वेदी का शिलान्यास होना है आज दोपहर को 3:27 पर। इसी सभी समाज के सहमति से काम होगा और सभी लोगों ने तन मन धन से भाग लिया। जहां भगवान जी की वेदी बनना है, श्री जी की वेदी का शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अखंड दिगंबर जैन समाज के संरक्षक सिंह चंद्र कुमार जी जैन जी को। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने बोली लेने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं और उसको क्या समझते हैं। धन्यवाद जी। हम अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली मानते हैं कि हमको आज ऐसा सौभाग्य मिला कि भगवान के मानस्तंभ छत्र सराहने का एवं नवीन वेदी के शिलान्यास के लिए, जो कि बहुत मुश्किल से पुण्य मिलता है, पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य था जो आज हमें मिला। बहुत